Hello everyone, this is Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. As you all know, we all are here together to discuss the Hindu's news editorial section. Okay, so here we don't have the editorial section today because it is Sunday. So we don't have editorial analysis at all. So we are taking all those important news here that are important for our prelims aspects, okay, as well as mains also. So let's take the news analysis. The first news is ICMR to test for community transmission in 75 districts. So what it is, basically health ministry said that we are facing the worst condition of COVID-19. I mean, regularly on daily basis we are getting more and more cases, as it is a spike of 3,320 cases. So it is needed that we have to work towards it, that which are the basic hotspots and which are the basic areas that are spreading this disease. Okay, so isi ke chalte jo ICMR hai, unhone 75 districts jo ki hotspot areas ke andar aate hain, wahan pe community transmission ke liye important jo hai central teams ko bheja ja raha hai, jisse ki ये पता चल सके, ये हम कह सकते हैं, ये हमें सूचित हो सके ICMR को कि कहाँ पे किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में 3,320 केसेस आना अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है. सो किस कम्युनिटी के बेसिस पर ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए ICMR ने कुछ स्पेशल टीम बनाई है और सेंट्रल टीम्स, और इन्हें इंस्पेक्शंस के लिए भेजा जा रहा है. ठीक है, तो ये टेस्ट होगा इसके लिए कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसे कैसे रोका जा सकता है. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द ICMR रिपोर्ट. नेक्स्ट वी आर टेकिंग दैट पुलिस गेट अ गाइड टू डिटेक्ट फेक न्यूज़. पुलिस जो है उन्हें एक गाइडलाइन दी गई है. इस गाइडलाइन के तहत ये श्योर किया गया है कि पुलिस को फेक न्यूज़ कैसे डिटेक्ट करनी है, कैसे. देखिए, आज का जो टाइम है COVID-19 का ले लीजिए या अभी लॉकडाउन का टाइम ले लीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फेक न्यूज़ देखने को मिलती है, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ले लीजिए, इकोनॉमिकल ले लीजिए या COVID-19 के केसेस को लेकर ले लीजिए. कई तरीके से हमें फेक न्यूज़ काफ़ी न्यूज़ में देखने को मिलती है. सो जो है हमारे रिसेंटली डिपार्टमेंट्स जो है, इस तरह ऑब्जर्वर डिपार्टमेंट्स, उन्होंने ये फैसला लिया है कि दिल्ली पुलिस या अन्य जितने भी क्षेत्र जो राज्य हैं उनकी पुलिस को ये गाइड किया जाएगा कि कैसे वो फेक न्यूज़ को डिटेक्ट करके और उस पर्टिकुलर जो रिलायबल साइट्स के थ्रू लीगल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं. ओके, सो मैनुअल आस्क ऑफिसर टू फैक्ट चेक दी रिलायबल साइट्स इंक्लूडिंग द हिंदू डॉट कॉम. उसी के तहत रिलायबल साइट्स में द हिंदू डॉट कॉम को भी इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आप लीगल या रिलायबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज इज आर फैमिलीज आर द रियल हीरो, सेड डॉक्टर. ऑब्वियसली आई ऑल्सो सपोर्ट द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर्स. बेसिकली डॉक्टर्स अभी इन दिनों, जैसा कि COVID-19 के दौर में, पूरी तरीके से लगे हुए हैं, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर चुके हैं. और इतना ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स के बलिदान को ही नहीं देखा जा सकता, इवन उनकी फैमिलीज जो कंटिन्यूसली एक एक महीना हो चुका है अपने अपने जो रिलेटिव्स हैं डॉक्टर्स जो हैं उनके घर से, उनसे मिले नहीं हैं. और डेफिनेटली ही इज़ समवंस सन, ही और शी इज़ समवंस डॉटर. सो पेरेंट्स के लिए या उनके स्पाउस के लिए या उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, एक पर्सन का कंटिन्यूसली एक ऐसे एरिया में होना जहाँ हर समय उन्हें ये खतरा है कि उन्हें भी COVID-19 जो है इफ़ेक्ट कर सकता है, इस तरह के माहौल में भी अपने आप को पेशेंसफुली रखना और उन्हें सपोर्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी फैमिली के लिए. कि आप, इट्स जस्ट लाइक आप अपने फैमिली मेम्बर को बॉर्डर पे वॉर के लिए भेज रहे हैं एज अ सोल्जर, एंड यू आर लिटरली इन नॉट इन कंडीशन कि आप उसे बाय कह सकें या उन्हें भेज सकें या उनके भेजने में सहमति जगा सकें, लेकिन आपको ये करना पड़ रहा है. ऐसा इसलिए बिकॉज ये आपकी ड्यूटी है. तो डेफिनेटली इस ड्यूटी को निभाना, समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट के बिना कोई भी पर्सन ये चीज़ नहीं कर सकता.
चाहे वो COVID-19 ले लीजिए, चाहे वो बॉर्डर पे सिक्योरिटी से रिलेटेड ले लीजिए, चाहे वो वॉर एरियाज़ में सोल्जर्स को ले लीजिए, कोई भी वॉरियर ये तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे फैमिली का सपोर्ट ना हो। सो डॉक्टर्स का कहना है कि एक्चुअल हीरोज़ तो हमारी फैमिलीज़ हैं जो हमें इस टाइम में सपोर्ट कर रही हैं इस तरह। और ये सारे डॉक्टर्स ही नहीं, इवन सारे मेडिकल स्टाफ या जो भी लोग लगे हुए हैं COVID-19 के दौर इस दौर के अंदर, उन सभी की फैमिलीज़ का कहना है, पुलिस या मेडिकल स्टाफ सभी का, कि हमारी फैमिलीज़ रियल हीरोज़ हैं जो कि हमारे बिना और इवन दिन रात हमारी टेंशन में रहकर भी हमें अलाउ कर रही है इस चीज़ को करने के लिए, जबकि वो ये जानती हैं कि हम लोगों से ज़्यादा खतरा उनकी लाइफ को है ना, कि बिकॉज़ COVID-19 स्प्रेड होना बहुत इजी, ट्रांसमिशन बहुत इजी है उसका और बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसमिशन है, तो अपने आप में ये भी एक खतरे की बात बन जाती है उनकी फैमिलीज़ के लिए भी और उनके लिए भी। एक ये आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, लाइफ इन द लॉकडाउन, ये आपको पढ़ना चाहिए। ये बेसिकली है नहीं कोई न्यूज़, इन्फॉर्मेटिव नहीं है, लेकिन बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द लाइफ इन लॉकडाउन। आप लॉकडाउन का टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपका करीब मैं कह सकती हूँ 1.5 महीना स्पेंड हो चुका है, अब इस 1.5 महीने को आपने कैसे गुजारा है, क्या क्या नई चीज़ें सीखी है, कैसे आपने, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रहा है, लोग शेफ़ ज़्यादा बन रहे हैं, या हम कह सकते हैं कुछ न्यू इनोवेटिव या इनिशिएटिव्स जो ले रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा, तो वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो है जो एस्पेक्ट है कि हाँ हम लॉकडाउन को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ नए स्किल्स सीख रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो सर्टिफाइड कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नए स्किल सीख रहे हैं, और हम जैसे एस्पिरेंट्स जो हैं वो सारा सारा दिन बस पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल पा रहे हैं ना। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टाइम है और इसके अंदर इस टाइम को भी हमें यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। ओके, सो डोंट फील कि लॉकडाउन चल रहा है, क्या किया जाए एंड ऑल, डोंट फील ऑल दीज थिंग्स, जस्ट गो एंड एन्जॉय दिस टाइम। वी हैव टू एन्जॉय ईच एंड एवरी, क्योंकि जिस चीज़ को एन्जॉय किया जाता है वो जल्दी निकल जाता है, और जिस चीज़ को आप एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत धीरे निकलता है टाइम, है ना। इसलिए वी शुड एन्जॉय दिस लॉकडाउन पीरियड। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट न्यूज़। दिस इज़ जब भी अभी आप देख रहे हैं जो क्रॉस हो रही है सारी न्यूज़, ये सारी बस उसी से रिलेटेड है ना। सो COVID-19 की केसेस से रिलेटेड है, वी डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दीज न्यूज़। तो फॉर नेक्स्ट न्यूज़ इज़ लीक फ्रॉम स्टोरेज टैंक लेड टू एक्सीडेंट सेड LG। जैसा कि हम सभी को पता है LG के प्लांट से जो है स्टायरीन गैस लीक होने की वजह से आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में बहुत सारे लॉसेस को देखने को मिला हमें, और इवन लॉन्ग टर्म या हम कह सकते हैं क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे आने वाले टाइम में, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी ये। लेकिन इसी के तहत सरकार द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि एक कमेटी को बनाया गया था, कमेटी फॉर्म की गई थी पूरी जांच करने के लिए, कि इस पूरी घटनाक्रम का जांच किया जाए कि कैसे गैस लीक हुई है, क्या कारण है उसका और उसके अंदर कहाँ लापरवाही बरती गई है, इन सब चीज़ों के लिए एक कमेटी फॉर्म करने की बात की गई थी सरकार द्वारा। और कई सारे क्षेत्रों में पॉलिटिकल एस्पेक्ट ले लीजिए या अन्य कई सारे रीजंस को देखते हुए इसे एक तरीके का घटनाक्रम का जो है नाम दिया जा रहा है कि ये जानबूझ के की गई घटना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं गलती से हुई घटना है, तो उसी के तहत LG कि जो है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसका ये कहना है, लीडर्स का ये कहना है कि लीक जो हुआ है स्टोरेज टैंक से वो एक एक्सीडेंट है। ऑब्वियसली इस तरह की घटना कोई जानबूझ कर नहीं करता है, ये अपने आप में एक एक्सीडेंट है, और ये घटना किसी भी एरिया में, किसी भी कंपनी में, किसी भी गैस जो है केमिकल इंडस्ट्री में, किसी भी दूसरी प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी हो सकती थी। प्लास्टिक फॉर्म करने वाली इंडस्ट्री है ये, जहाँ पे केमिकल्स के थ्रू जो है प्लास्टिक फॉर्म किया जाता है, तो वहीं से गैस लीक हुआ था, और उसी के तहत विशाखापट्टनम के 5 मेन जो है डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ हम कह सकते हैं प्रभावित हुए हैं उस चीज़ से, और काफ़ी लॉसेस देखने को मिले हैं, करीब 11 से 12 डेथ अब तक हो चुकी है, और आगे भी जो है इसकी संभावना देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो वेंटिलेटर्स पर हैं और काफ़ी अपनी हेयरिंग एबिलिटी लॉस कर चुके हैं, या काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे फिजिकल लॉसेस देखने को मिले हैं,
तो और क्रॉनिक इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं कि ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इससे काफ़ी सारे क्रॉनिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। बहुत सारी चीज़ें हमें इस गैस की वजह से देखने को मिलेगी, जो कि हमें ऑलरेडी भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम देखने को मिली थी। इवन हम लोग आज भी उसे सफ़र कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस समय भी ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिले। ये हमारी ज़रूरत है कि कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि जितना भी लोगों को जान माल की हानि हुई है, जितने लोगों को नुकसान हुआ है, उन सभी लोगों को कंपनी सपोर्ट करेगी और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाएगी। इवन उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखने का वादा किया है इस कंपनी ने। सो इट इज़ एक्चुअली वेरी बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं ये अपने आप में एक डिज़ास्टर था। बट क्योंकि कई बार कुछ नेचुरल चीज़ें या डिज़ास्टर कभी आपको बता कर नहीं आते, अपने आप में बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट करते हुए आते हैं वो, और आपको उनसे ओवरकम करना होता है। जैसे COVID-19 है, अब हम नहीं जानते कि चाइना द्वारा की जाने वाली या जानबूझकर की जाने वाली या गलती से हुई ये घटनाक्रम था ये, लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है तो हमें इसे ओवरकम करना होगा, हमें इसे हराना होगा और इससे आगे बढ़ना होगा। तो वही घटनाक्रम जो है या वही चीज़ या वही मेंटेलिटी हमें हर क्षेत्र में अपनानी होगी, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वरना अगर हम पकड़ के बढ़ जाएंगे किसी चीज़ को तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ओडिशा गवर्नमेंट एक्सटेंड्स वर्क शिफ्ट टू 12 आवर्स। मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से वर्कर्स को लेकर, उनके काम को लेकर काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, उड़ीसा के गवर्नमेंट ने, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हर जगह जहाँ इंडिया में शुरू हो चुकी हैं, वहाँ उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वर्क आवर जो होंगे, वर्क शिफ्ट जो होगी वो 12 आवर्स तक की होगी लेबर्स की। सो ये जो डिसीज़न लिया गया है वो इंडस्ट्रीज़ की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए, उनके रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए लिया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट और हम कह सकते हैं कंपनीज़ या हम कह सकते हैं बाकी सारी चीज़ें बहुत लोअर डाउन होती चली जा रही है। हालांकि सरकार का यह फैसला था लॉकडाउन खोलते समय, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए लॉकडाउन खोलते समय सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था कि 8 घंटे का जो है कार्य जो है समय सीमा होगी कार्य की वर्कर्स के लिए इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट को ये ज़रूरी लगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को देखते हुए, वर्कर्स के ये एबिलिटीज़ को या वर्कर्स की जो वर्किंग प्रोफाइल है उसको देखते हुए ये ज़रूरी लगा कि हमें अभी ज़रूरत है कुछ एक्सट्रीम वर्क की या इंडस्ट्रीज़ को जो है हायर लेवल पे लेके आने के, जिससे कि इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा जा सके, जो कंडीशन हम ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं उससे बचा जा सके। तो उसके लिए ओडिशा सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर देंगे वर्किंग पीरियड को, वर्किंग आवर्स को, ठीक है? तो ये न्यूज़ उड़ीसा से थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की। दिस इज़ ऑल अबाउट हेल्थ मिनिस्ट्री इजेज डिस्चार्ज गाइडलाइंस। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिस्चार्ज की गाइडलाइंस पेश की है, जिसके तहत ये बताया गया है कि जो सिवियर कंडीशन में है, जिसे सिवियर हम कह सकते हैं COVID-19 का इफेक्ट जिस पे देखने को मिलता है, उसी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज या लीव करने से पहले चेक किया जाएगा, उनका ही टेस्टिंग होगी। अदरवाइज जो लोग माइल्ड या मॉडरेट केसेस के साथ हैं और जो नेगेटिव रिजल्ट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर माइल्ड एंड नेगेटिव मॉडरेट केसेज, जो माइल्ड और मॉडरेट केसेज हैं के हैं जिनके, उनको जो है नेगेटिव रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स उनको बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं गवर्नमेंट उसकी या हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन जो सीवियर कंडीशन में है, जिन पे बहुत ज़्यादा COVID-19 का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाएगा और उन्हीं को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया जाएगा विथ रीटेस्टिंग। सो गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस हेल्थ मिनिस्ट्री ने पेश की है और इसी के तहत कार्य किया जाएगा हॉस्पिटल्स में अब से। नेक्स्ट न्यूज़ इज की ICMR पैनल ऑन वैक्सीन डिसॉल्व्ड। 5 ग्रुप सेट किए गए हैं नेशनल टास्क फोर्स के तहत, जिसके तहत जो वैक्सीन्स है उसके ऊपर टेस्ट किए जाएंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने ये जो है फाइंड आउट किया है। एक बहुत ही
की कमिटमेंट किया है कोविड-19 की प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने के लिए, वो ये है कि हमने कोविड-19 के तहत टास्क फोर्स को फॉर्म किया है, और ये टास्क जो फोर्स जो है वो रिसर्च प्रोटोकॉल या टीम के रूप में कार्य करेगी वैक्सीन या ड्रग डेवलपमेंट के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम ऑलरेडी कोविड-19 से इतना सफ़र कर रहे हैं कि हमें नीड है वैक्सीन की, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की। इवन हम ही नहीं, देश के काफ़ी, विश्व के काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो ढूंढ रहे हैं वैक्सीन्स को। काफ़ी देश ऐसा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इंडिया ने भी ऐसी 5 टॉप कमिटीज जो है फॉर्म की है, जो इस पर कार्य करेगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज 70 माइग्रेंट्स जंप क्वारंटाइन इन बिहार। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। मैं पिछले कई दिनों से इस तरह के मुद्दे देख रही हूँ और सुन रही हूँ कि लोग जो है क्वारंटाइन का नियमों का पालन नहीं करते हुए वहाँ से भाग रहे हैं, क्वारंटाइंड एरिया से भाग रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। कि जब आपसे कहा गया है कि आपको क्वारंटाइन होना है, जब आप ऑलरेडी बाहर से आए हैं या ऐसी कंडीशन में हैं कि आपसे कोविड-19 स्प्रेड होने की, अगर आप में कोविड-19 होता है तो उससे स्प्रेड होने की बहुत बड़ी संभावना बन जाती है, तो उस क्षेत्र में उनको ये ज़रूरत है कि वो इन सब चीज़ों से को समझते हुए क्वारंटाइन होने में सरकार की मदद करें। अब ये एक न्यूज़ जो है बिहार से आई है कि बिहार के अंदर 70 माइग्रेंट्स ऐसे हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया गया था और वो वहाँ से भाग गए। अब उसका रीज़न उन्होंने ये दिया है कि उन्हें जो फूड और लिविंग फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही थी, दैट वाज नॉट दैट मच गुड, वो बहुत अच्छी नहीं थी। जैसा कि उन्हें बताया जा रहा था और जैसा प्रेटेंट किया जा रहा था, उतनी अच्छी जो है लिविंग या फूड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही थी। अब ओरिजिनलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, ये चीज़ें तो जो है कंसर्न डिपार्टमेंट्स ही बता सकते हैं, लेकिन इट इज़ आर कंपल्सरी स्टेप्स, वी शुड टेक द कंपल्सरी स्टेप्स टूवर्ड्स इट, बिकॉज इस तरीके से कोविड-19 के स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इससे पहले कि हम लोग भी लाखों की तादाद में आने लग जाएं, हमारी ये ज़रूरत है कि हम कोविड-19 से होने वाले खतरे को समझें और उसे रोकने का प्रयास करें, और उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट मेजर्स फॉलो करने को सरकार द्वारा आदेश दिए जाते हैं या जो हमें लगता है कि हमें फॉलो करना चाहिए और इसे फॉलो करने से हम ओवरकम कर सकते हैं कोविड-19 से, तो वो जो है हमें मेजर्स फॉलो करने होंगे, और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े ये हमारी ज़रूरत है। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़ या लिविंग फैसिलिटीज़ कंपलसरी होती हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों को बात करके सुलझाया जा सकता है या उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट या स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। भागना कोई एक अच्छी, हम कह सकते हैं, प्रोसीजर नहीं है जो आप फॉलो करें। ये एक अच्छे नागरिक की गुणवत्ता को डावाडोल करने की स्थिति क्रिएट कर देता है ना। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। Let's take the next news. The next news is row over new link road to Kailash Mansarovar. ये बन जाता है international relations का मुद्दा। इसके तहत नेपाल द्वारा ये हम कह सकते हैं ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम लोग कैलाश मानसरोवर के लिए एक नए राह को बनाने के लिए जो shortcuts अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेपाल की ज़मीन भूमि को या नेपाल के क्षेत्र को हानि पहुंचा रहे हैं हमारे तरफ से। ऐसा उनका कहना है कि ये हमारी ज़मीन हड़पने या कुछ ऐसे नियमों को कटिबद्ध करने की जो है हम एक प्रोसीजर को फॉलो करें, पर ऐसा नहीं है। तो ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। नेपाल का ऐसा कहना है कि हम 2014 में हुए एग्रीमेंट को का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको ना मानना या उसकी अवमानना कर रहे हैं। तो ये जो है किस तरीके से इस मुद्दे को हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पर सुलझाया जाता है, किस तरीके से जो है अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कैसे इस मुद्दे को सुलझाता है और कैसे इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस को बिगड़ने से बचाता है, वो सारे मुद्दे देखने को होंगे आगे आने वाले डेज में। क्या न्यूज़ सुनने को मिलती है वो हम देखते हैं। देन नेक्स्ट इज़ हाई कोर्ट ऑर्डर हैम्पर्स रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमी। ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन लिकर सेल
जो है उसको लॉजिस्टिक की नीड होती है, ऐसा तमिलनाडु का कहना है। क्योंकि ये देखिए तमिलनाडु द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में एक जो है हम कह सकते हैं रिट लगाई गई है मद्रास हाई कोर्ट के अगेंस्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि लिकर्स जो है उनकी सेल को बंद किया जाए, मतलब ऑफलाइन जो सेल हो रही है उसे बंद किया जाए, क्योंकि इससे कोविड-19 का स्प्रेड हो सकता है। और जो ऑनलाइन शॉप्स है, ऑनलाइन लेकर जो है उसे बूस्टअप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऑफलाइन सेल आउट करने की, ठीक है। तो उस पर बैन लगाने के कारण तमिलनाडु के जो लोग हैं उन्होंने, या तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये कहा है कि ऑनलाइन जो है हमें करने के लिए, ऑनलाइन सेल करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होगी, जिससे डेफिनेटली कोविड-19 स्प्रेड होने का खतरा रहेगा। हम मैक्सिमम लेवल पे लोगों को एकत्रित करके यदि इस तरह का कार्य शुरू करते हैं तो उसके लिए भी जान माल को हानि ही पहुंचेगी। इसलिए अभी हमारी ज़रूरत है इकोनॉमी को रिबूट करने की, ना कि क्योंकि लेकर्स अपने आप में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी को अपने पोजिशन पे, एग्जैक्ट पोजिशन पे लाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। पिछले कई दिनों में हमने बहुत सारे प्लेसेस पर ऐसा देखा है कि लेकर शॉप्स जो है वो काफ़ी इकोनॉमी जनरेट करने में हेल्प कर रही है। लोग जो है काफ़ी हम कह सकते हैं काफ़ी मात्रा में लेकर्स को परचेज़ कर रहे हैं, जो इकोनॉमी को बहुत हेल्प कर रही है। ओके, क्योंकि काफ़ी सारा जो टैक्स मार्जिन है वो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पोजीशन पे अगर बात करें तो काफ़ी सारा टैक्स मार्जिन उन्हें लेकर शॉप से, लेकर्स एरिया से मिल जाता है। तो अपने आप में ये भी एक देखने की बात है और समझने की बात है कि कैसे हम लेकर्स के थ्रू अपनी इकोनॉमी को रिबूट कर रहे हैं और हम कितना लेकर्स पर डिपेंड हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाके मेरे दिमाग में खड़ा कर देता है। तो तमिलनाडु का ये ऐसा जो हम कह सकते हैं जो क्लेम है, ये किस हद तक सुप्रीम कोर्ट उसे मान्य मानता है, किस हद तक या कैसा डिसीजन देता है, वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रशिया वायरस सर्ज मीट्स वी डे सेलिब्रेशन। मैं आपको बता देती हूँ, रशिया में वी डे सेलिब्रेशन होता है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जीतने की खुशी में मनाया जाता है। और ये सेलिब्रेशन अभी वायरस के कारण रशिया में इफ़ेक्ट हुआ है और इसे रोक दिया गया है। क्या है ये आपको इस पूरे आर्टिकल में पता चलेगा, ये खुद आप लोग पढ़ेंगे। अभी क्योंकि 2 लाख इन्फेक्शन जो है ओनली रशिया में देखने को मिले हैं, फिफ्थ हार्डेस्ट कंट्री देखी गई है, तो उसके तहत ये ज़रूरत है रशिया की कि वो इस तरीके के सेलिब्रेशन को अभी स्टॉप करे। क्योंकि जिस तरह की कंडीशन से हम अभी गुजर रहे हैं, वी आर नॉट इन कंडीशन टू सेलिब्रेट द ऑल दीज टाइप ऑफ डेज, बिकॉज ऐसा ना हो कि इस तरह के डेज सेलिब्रेट करते करते हम लोग आने वाले टाइम में हमें कोई शोक दिवस के रूप में मनाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए अपने आप में कोविड-19 से जूझना, और अब तक चाहे 1, 2, 10 कितनी भी जाने जाती है, वो अपने आप में एक शोक ही है हमारे लिए, और बिल्कुल डेफिनेटली वी शुड वर्क ऑन इट। सो रशिया ने ऐसा फैसला लिया है, रशियन गवर्नमेंट ने, कि हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये जो सेलिब्रेशन होता है वी डे सेलिब्रेशन, दैट इज़ बेस्ड ऑन यूनिटी, सो हम इसे अभी सेलिब्रेट, इस वर्ष जो है सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट। हाँ, एक और न्यूज़ इम्पोर्टेंट रह जाती है, वो है इंडिया सेट टू कवर द ग्लोब विथ एक्सपोर्ट्स ऑफ मास्क। हम लोगों ने मास्क का इतना एक्सपोर्ट कर दिया है और इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड लेवल पे मास्क की नीड देखी जा रही है। क्योंकि कोविड-19 से सभी देश, लगभग सभी देश इफेक्टेड हैं, और उन सभी देशों में जो इंडिया है वो मास्क एक्सपोर्ट कर रहा है और काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया इस पोजीशन पे आ गया है कि वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट मास्क सप्लायर्स में बन चुका है ना। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस लेवल पे। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, हम खुद इतनी बड़ी आबादी में रह रहे हैं कि कई बार तो ऐसी चीज़ें देश के लिए भी कम पड़ जाती है। उस कंडीशन में विश्व स्तर पे सप्लाई करना हमारे लिए या हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इंडियाज़ पोटेंशियल, इट इज़ ऑल अबाउट इंडियाज़ हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज़
द हिंदू न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो इम्पॉर्टेंट थे मैंने कवर करने की कोशिश की है. सो लेट्स गो थ्रू ऑल दीज आर्टिकल्स, पढ़िए ये सारे आर्टिकल्स, इट इज़ संडे टुडे सो यू कैन गो थ्रू, एंड इवन लॉकडाउन्स में तो आप ईजीली जा सकते हैं इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए. सो ईजीली जस्ट गो थ्रू ऑल दीज आर्टिकल्स, हैव अ लुक टुवर्ड्स इट. गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, कीप लर्निंग. बाय बाय.